भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े, ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी नाग नागिन की फिल्में बनी है और अभी भी काफी लोग बना रहे हैं, हालांकि मैं आज तक नहीं बनाया था, तो इस चीज को तो मैं चैलेंजिंग लेके ही स्टार्ट किया हूँ। और मेरे जो हीरो हैं छोटे भाई कल्लू, निधि और चांदनी। कल्लू अभी तक नाग नहीं बना था या नाग वाला रोल नहीं किया था, और मुझे एक अच्छी कहानी मिली, अच्छी स्क्रिप्ट मिली, इसलिए मैं इस फिल्म पे काम कर किया था। काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, हालांकि अप्रैल में मैं स्टार्ट करने वाला था, लेकिन अब जाके समय आया। आपने इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं जी, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर दो दो जिम्मेदारियां हैं, कैसे निभाएंगे अरविंद चौबे जी? इसके पहले भी मैं दो दो तीन तीन फिल्में प्रोड्यूस कर चुका हूँ, प्रोड्यूस डायरेक्ट दोनों साथ में। भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा मेंटली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और कहाँ शूट किया जाएगा फिल्म? मैं कुछ पार्ट तो मुंबई में है, कुछ गुजरात के अलग अलग लोकेशन से है। फिल्म कब तक बनकर तैयार हो जाएगी चौबे जी, और कब आ सकती है? ये अप्रैल मई तक आएगी। अप्रैल मई तक थिएटर्स में, हालांकि रेडी रहेगी पहले, लेकिन डेट मेरा अप्रैल मई ही रहेगा। आप पवन सिंह के लकी डायरेक्टर हैं। पवन सिंह अक्सर इस बात को कहते हैं कि अरविंद चौबे मेरे लकी डायरेक्टर हैं। मेरे लिए भी पवन सिंह काफ़ी लकी हैं, मैं उनके साथ ही मैक्सिमम हिट जो भी फिल्में किया हूँ ज़्यादातर हिट रही है। ऐसी क्या खासियत है कि जब पवन सिंह की करिश्मा आई उस शख्सियत में कि जब आते हैं साथ तो फिल्म हिट हो जाती है? दोनों आदमी का वाइब्रेशन मैच करता है काफ़ी जी। और अभी आप लोगों ने फिल्म अक्सर आप शूट करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मीडिया के सामने कम आते हैं अरविंद चौबे, इसलिए कि मैं बोलने से ज़्यादा करने पर भरोसा रखता हूँ। चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है और भी ग्रो करे। कुछ ऑडियंस से अगर अरविंद चौबे कहना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे तो? जैसे आप लोगों ने हमारी फिल्मों को पहले प्यार मोहब्बत दिया है, वैसे आगे आशा करता हूँ कि आगे भी देते रहेंगे। थैंक यू।